और सुबह का माहौल कुछ ऐसा है। मेरे ऊपर ये पेड़ देख सकते हैं आप, सबसे क्यूट ये मछली मेरा एक्चुअली में फेवरेट है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। बक्तो उठ चुका है। बक्तो, सो हाउ इज द नाइट? ये पूछने वाला सवाल तो नहीं है, लेकिन कैसा था सब कुछ ओवरऑल? इट वाज वेरी गुड, परफेक्ट। वो विलेज टाइप का फील आया, शोर शराबा कुछ नहीं एकदम। तो गाइस गुड मॉर्निंग तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है पंगा हो गया। अंडे उबलने के लिए दिए थे, लेकिन ये देखिए आपको पता है ना ये क्या हुआ? तो वही हुआ, अंडे लीक हो गए। अंडे में जो है थोड़ा लीकेज था, पंचर हो गया बेसिकली। चाय का कलर उतना अच्छा नहीं आया क्योंकि अमूल जो है नहीं मिला था। तो गाइस वेलकम टू द बालकनी, फार्म हाउस के जो बालकनी होते हैं, मतलब वो जो अलग एक फार्म हाउस होता है गांव में, उसका जो ऊपर है एकदम छत पे जाके बैठ के सुबह सुबह नेचर को एंजॉय करते हुए ब्रेकफास्ट किया जाता है, बिल्कुल वही सीन है यहाँ पे। देखिए ये हमारा सिटिंग एरिया। तो आज का ये जो छत पे ब्रेकफास्ट करने का प्लान का आइडिया कैसे आया? तो गांव के अंदर जो होता है ना, तो एक अलग फील है नेचर के साथ, ठीक है ना, नेचर के करीब रहो। तो घर के अंदर तो हमेशा खाते पीते ही है, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग टू डू। खेतों पे जाके खाने का जो मजा है पिकनिक का, तूने भी किया ना बचपन में? हाँ, बहुत बार भी किया करते हैं। तो उसका जो मजा है ना ये अलग है। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। वी एक्चुअली टू का ब्रेक, राइट? हम आए क्यों एक्चुअली, कोई काम है वैसा? नहीं, काम तो नहीं है, जस्ट टू हैव अ ब्रेक, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए था, तो इसलिए छत पे बैठ के खाओ, ऐसे थोड़ा सा एंजॉय करो। एंड आई एम गोना मेक अ सैंडविच फॉर यू। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा मार्केट, इसको बोलते हैं कालजनी बाजार, ठीक है? तो लोकल बाजार जो लोकल मार्केट, सही है मार्केट एकदम गांव वाला। बहुत दिनों बाद अगर घर आए ना, मतलब मैं जिस इंटरवल में घर आता हूँ, तो मैं हमेशा आके देखता हूँ कि एक दुकान या तो यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो चुका है, एक दुकान या तो है ही नहीं, और कुछ एक और दुकान जो इस्टेब्लिश हो गया है, नए नए दुकान आ चुके हैं, तो ये एक मामला रहता है। तो अभी तक पहचान नहीं, मुश्किल है। तो कुछ ऐसे ही गांव के अंदर चलते चलते हमको मिल चुका था सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार चीज, जो कि है ये। तो ये वाला जो ट्रैक्टर है, ये बहुत पहले के ज़माने से चला आ रहा है, जब फोर व्हील ट्रैक्टर इंडिया में उतने थे भी नहीं। हम जब छोटे थे इसी को देखते थे, इसके ऊपर चढ़ना, इसके ऊपर बैठना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फैंटेसाइजिंग हुआ करता था। और बीइंग अ मशीन लवर, इसको चला के जो फील आया, दैट वॉज सो गुड। ऑनेस्टली एकदम बचपन के सारे यादें जो है ताज़ा हो गए थे। मतलब इसको चलाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, नॉर्मल गाड़ी जैसा कोई सीन नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसका वो जो लेफ्ट राइट मेरे हाथ में जो थे ना ब्रेक, उनसे जो है इसका जो है प्राण लिया जाता है, वही स्टीयरिंग एक्चुअली। तो देट वॉज वेरी नाइस, पहले भी चलाया था लेकिन इस बार बहुत अच्छे से चलाया हमने। तो चलिए आगे देखते। तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्राई फिश का आइटम है, सी फूड यहाँ पे है, ठीक है, ड्राई फ्रूट बेसिकली सी, ऐसा है ना, तो सागरेर माछ थाके ना, सागरेर माछ थाके ना, तो ये बेसिकली सी फूड है, रिवर का नहीं है। सागर से जो मछलियाँ पकड़ी जाती है उनको जो है ड्राई किया जाता है, और वो यहाँ पे सप्लाई होता है एज अ ड्राई फ्रूट, मतलब एज अ ड्राई फिश। तो ये घर घर आके जो है बेचने का सिस्टम यहाँ पे है। और मछलियाँ देख के हमको याद आया कि गांव में हमारा एक पॉन्ड भी तो है, और हमारा भी मन किया कि क्यों ना थोड़ा मछलियाँ पकड़ लिया जाए। गाइस तो हम निकल पड़े पॉन्ड की ओर मछलियाँ पकड़ने। तो मछली कैसे पकड़ते हैं पॉन्ड से, ठीक है, वो हम अभी देखने की कोशिश करेंगे, और हमारे हाथ में तो कुछ आता नहीं, मछली आ जाए वही काफ़ी है। चलिए, बहुत दिनों से नहीं आए यहाँ पे, तो गाड़ी यहाँ पे लगाते, ठीक है, और हमारा दोस्त भी आया हमारे साथ, तो आइए आइए आइए। हमारा दोस्त आ चुका है, चिलर पार्टी, तुम लोग निकलो, बच्चे भी आए साथ में मछली पकड़ना देखने के लिए। अब क्या क्या सामान है वो दिखाएंगे, मछली पकड़ने का जो औजार है, जो मतलब इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे ये है,
इसको जाल बोलते हैं, इज द नेट, और ये है बकेट जिसमें हम मछलियाँ लेंगे। और ये बकेट के अंदर क्या है, तो ये है वो मतलब दाना, ठीक है, मतलब खाना है, ये फिश का फूड है जो हम देंगे तो मछलियाँ एकदम भाग के मतलब कुलू 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 करके आएगा, तो हम उसको कस के तो पकड़ लेंगे जाल। तो ये जो चीज़ है ना, ये एकदम गांव का वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी एक्टिविटी में से एक है कि मछली पकड़ना, ठीक है ना, वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी काम है ये जो हम करने वाले हैं। तो अभी मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि हम जो दाना है, जो मतलब फूड है मछली का, ये बेसिकली राइस फ्लेक्स है, ठीक है, मतलब चावल का जो वो होता है, तो वो मछलियाँ बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो ये हम पहले देंगे पानी में ताकि मछली आए, ठीक है। आएगा उसके बाद जो है हम उस पर हमला बोलेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं करना है, अभी बस इंतज़ार करना है, ठीक है, क्योंकि 5-10 मिनट लगेगा मछलियों को पता करने में कि यहाँ पे खाना है, और हमको दिखेगा लिटरली यहाँ पे मछलियाँ जो है खाने को, खाने के लिए आएंगे। तो ये देखिए, मैंने कहा था ना मछली आएगा, वो देखिए, जरा वहाँ पे जूम किया जाए, दिख रहा है मछलियों का झुंड आ चुका है। ये फिलहाल छोटे छोटे मछलियाँ मुझे लग रहा है। मछलियों को पता चल चुका है कि यहाँ पे खाना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम उन पे हमला बोलने वाले हैं। तुमसे ना हो पाएगा, गजब बेइज्जती है। तो फाइनली 20-25 बार कोशिश करने के बाद हम फाइनली सीख चुके थे कि जाल कैसे फेंकना है। अरे यार बुड्ढे हो गए ना, बचपन में फेंका था। तो यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ये देख सकते हैं मछली हमको मिल चुका है, ये छोटा है हालांकि, क्योंकि हमको बड़ा मछली नहीं मारना है यार, हमको बुरा लगता है। इस बार जो है फंस चुका है असली मछली। जाहिद मेरे को जो है ट्रोल कर रहा था कि मेरे को नहीं आता मछली पकड़ना। जाहिद हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ये देखो अरे मैया, सही है, अब वीडियो पापा देखेंगे तो उतना बेइज्जती नहीं होगा। मैंने कर दिखाया ये हिलसा जैसा दिख रहा है ना गाइस, लेकिन ये हिलसा नहीं है, ठीक है, ये है सिल्वर, इसको बोलते हैं सिल्वर कार्प। तो अभी देखिए मछलियाँ जो है इसको पकड़ना गांव में वन ऑफ द प्राइमरी जो है एक्टिविटी, मैंने बोला बिकॉज विलेज इटसेल्फ इज अ इकोसिस्टम, ठीक है। आप देखिए पेडीफील्ड, देखिए ये हो गया पेडीफील्ड। तो विलेज एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिलेगा, मतलब हमको खाना खाने में क्या चाहिए, चावल चाहिए, चावल हमारे खेत में ही होगा मतलब गाँव में। मछली नॉनवेज खाने की बात करें तो मछलियाँ हम अपने पॉन्ड में करेंगे। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द यू नो विलेज, क्योंकि यहाँ पे आपको इट सेल्फ इज अ इकोसिस्टम, यहाँ पे हर एक चीज़ जो है एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। टाउन में सिटी में ये नहीं मिलता गाइस, टाउन में सिटी में आपको मछलियाँ खाना पड़ेगा, जो है फ्रोजन फूड्स मिलेगा बाहर से आएगा, उतना ज़्यादा फ्रेश तो मिलेगा नहीं, चावल खरीदना पड़ेगा, ऐसा मामला है। तो गाँव इसीलिए मुझे पसंद है, इट्स वेरी नेचुरल एंड इट्स वेरी हेल्दी टू लिव हियर इन द विलेज। अब मछलियाँ पकड़ने के बाद हम इवनिंग को थोड़ा सा निकले बाहर घूमने के लिए, थोड़ा फ्रेश होने के लिए, और हमको जो बच्चे मिल चुके थे जो खेल रहे थे, तो हमने भी उनको जो है ज्वाइन किया।
गाइस इवनिंग का टाइम है और जो होता था वही हो रहा है आज भी। हम भी खेलते थे, ये बच्चे भी खेल रहे। जी हाँ, क्रिकेट और फुटबॉल खेला जा रहा है। तो हमने जो है बैट को पकड़ लिया है, बॉल लाने गया है एक बंदा, छोटा सा बच्चा। भी थोड़ा सा जो है क्रिकेट खेल लेते बच्चों के साथ, क्योंकि देखिए इसमें मज़ा है, ठीक है ना, ये बच्चों के साथ खेलने का मज़ा है। दे 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 दे। हाँ मारो। गाइस बस थोड़ा सा क्रिकेट खेल लिए। मेरा दोस्त है वो जो बॉल डाल रहा था ना, वो मेरा दोस्त है हबीब। तो हम पहले खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, हमारे घर के वहाँ पे एक फील्ड है। फुटबॉल का तो मैं बहुत बड़ा जो है वो था, मेरे पास कलेक्शंस भी थे फुटबॉल के बहुत सारे, तो वो सब पुरानी यादें थोड़ी सी ताज़ा हो गई, यही काफ़ी है। लो बैठ लो, कौन लगा? और अगर बात करें एजुकेशन सिस्टम की तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। ये जो स्कूल मैंने विजिट किया ये प्राइमरी सेक्शन का है, हमारे टाइम से तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। यूनिफॉर्म से लेकर हर एक चीज़ को मेंटेन किया जा रहा है और टीचर्स जो है पर्सनली स्टूडेंट्स को जो है रिमेडियल क्लासेस एंड होमवर्क्स भी चेक कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड थिंग। तो ये बच्चे लोग जो है बहुत ज़्यादा एडवांस बन चुके हैं, मतलब कंपैरेटिवली यूनिफॉर्म प्रॉपर है, सब प्रॉपर है। और ये है अंकुर में, अंकुर बोले तो LKG बोलेंगे, राइट? क्लास वन से छोटा, मतलब क्लास वन से छोटा। तो इसने राइट आंसर दिया। ओके, मैं सर नहीं हूँ, ठीक है, ये लोग मुझे सर बोल रहे हैं। हाँ, थैंक यू। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ हमारे यहाँ का सबसे फेमस मिठाई मिलता है। तो हम अभी आए हैं चुनारी, ठीक है, चुनारी चुनारी वो जो गाना होता है चुनारी। हाँ, यहाँ पे सबसे खास क्या है, मिठाई मिलता है, स्वीट्स, ठीक है, मिठाई स्वीट्स यहाँ का बहुत फेमस है। एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है क्योंकि यहाँ पे रिवर से लेके, मतलब पोर्ट है, ठीक है, रिवर का पोर्ट है वो, जो क्या बोलते हैं, नाव घाट, मतलब नाव जहाँ पे रुकता है फेरी, जो सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा बिजनेस है। और हम बिजनेस खाने नहीं आए, हम आए मिठाई खाने, ठीक है। ये कच्चा वाला मिठाई बोल रहे हैं, लेकिन सही है। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये था एक छोटा सा व्लॉग, गांव के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। कल आए थे, आज पूरा दिन रुके, पूरा एंजॉय किया, गांव का माहौल था। चाइल्डहुड के जो काम थे उनको थोड़ा सा रिक्रिएट करने की कोशिश की, मछलियां भी पकड़े हमने। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अभी से कंसिस्टेंटली मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो स्टे ट्यून, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मैं हूँ आपका अपना IRM, मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।